पूरे संसार में सबसे प्रचलित सवाल कौन सा है? नहीं पता ना तो इस वीडियो का टाइटल देखो। सबसे पहले अंडा आया या फिर मुर्गी? अगर आपका जवाब मुर्गी है तो मुझे यह बताइए कि वह कहां से आए, क्योंकि जितना तो हम जानते हैं कि बिना अंडे के मुर्गी नहीं आने वाली। और अगर आपका जवाब अंडा है तो फिर उस अंडे को किसने जन्म दिया? हमने इस सवाल को हमेशा मजाकिया दृष्टि से देखा है, पर आज हम इसे साइंटिफिक दृष्टि से देखने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पहले मुर्गी या अंडे में से कौन आया, साथ ही मैं इसका कारण भी आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हे फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश, आप देख रहे हैं रनवर साइंस। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। देखा जाए तो धरती पर कई सारे जानवर पक्षी हैं जो अंडे देते हैं। उनमें से कई सारे मुर्गी के अस्तित्व में आने से पहले धरती पर हैं, तो उस मुताबिक अंडा पहले आया। लेकिन टेक्निकली बात करें तो असल सवाल यह होना चाहिए कि पहले मुर्गी आया या फिर मुर्गी का अंडा। रिसर्च में यह पाया गया कि अंडा OV17 नाम के प्रोटीन से बनता है, और यह प्रोटीन सिर्फ मुर्गियों के ओवरी को छोड़ इस दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता। और इसका सीधा मतलब है कि इस धरती पर मुर्गी सबसे पहले आया। तो फिर एक और सवाल कि मुर्गी कहाँ से आया, तो चलिए जानते हैं। मान लो एक मेल हाथी है और एक फीमेल हाथी, तो रिप्रोडक्शन के बाद जब उनका बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे में मौजूद सारे डीएनए में से कुछ हिस्सा उसके पिता का होगा और कुछ उसकी माता का, और थोड़ा मोड़ा बचा हुआ डीएनए उस बच्चे को प्रकृति से मिलेगा। अगर उस बच्चे का 50% डीएनए पिता और 50% माता से हो तो उस बच्चे में उसके माता पिता के गुण जैसे ही गुण होंगे। और आज तक किसी भी बच्चे में माता और पिता के 50-50% डीएनए नहीं पाए गए हैं। बच्चे के डीएनए में कुछ परसेंट डीएनए बाहर से आता है, जिससे कि नया बच्चा थोड़ा अलग पैदा होता है। इसी तरह जो जानवर जो कि लगभग मुर्गी जैसा दिखता हो, तो अगर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया होगा और उस बच्चे के 100% डीएनए में अगर माँ का डीएनए 49% और पिता का डीएनए 49% हो, तो वह बच्चा लगभग अपने माँ बाप जैसा प्रजाति का दिखेगा। क्या होता है कि हजारों वर्ष में वो जो छोटी छोटी जो डीएनए जो बाहर से मिलती है ना, वो मिलकर एक बड़े चेंज में तब्दील हो जाती है, जिससे कि हजारों वर्षों बाद एक नए प्रजाति का जन्म होता है। जिस तरह हमारे पूर्वज एप्स थे, एप्स की हजारों लाखों पीढ़ी तक छोटी छोटी मात्रा में एप्स के डीएनए में बदलाव हुए, और बदलाव हजारों लाखों सालों में मिलकर इतना बड़ा हो गया, एप्स की प्रजाति ने एट लास्ट इंसान नाम की प्रजाति को जन्म दे दिया। और इंसानों की हजारों पीढ़ी बाद हम इंसान भी धरती पर एक नई प्रजाति को जन्म देंगे, जो कि हमसे बिल्कुल अलग होगी। जिस तरह एप्स आज इंसानों से बिल्कुल अलग है, और इसी को इवोल्यूशन कहा जाता है। और अंडे और मुर्गी में सबसे पहले मुर्गी आई है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपके सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।